हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मराठा। इससे पहले हमने मैसूर पढ़ा और उससे पहले बंगाल पढ़ा था। तो जहाँ तक मराठा के सवाल है, तो इससे पहले हमने देखा था कि जैसे थर्ड बैटल पानीपत का जो हुआ 1761 में, उसमें मराठा हार गए। माधवराव के अंडर में मराठा कुछ स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी माधवराव की डेथ के बाद, जब उनकी डेथ हुई 1772 में, तब उसके बाद देखेंगे कि फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है मराठा। अभी हमने मैसूर वाले में देखा था कि माधवराव 3 बार हैदर अली को हराते हैं। लास्ट बार उन्होंने 1771 में हराया था, लेकिन फिर 1772 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हैदर अली फिर उन एरिया को जीत लेते हैं जो माधवराव ने हैदर अली से जीते थे। तो इन दो लड़ाइयों के बाद, दो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और माधवराव के बाद, क्या हुआ कि मराठा धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। अभी जो मराठा कन्फेडरेसी थी, ये मराठा में कई चीफ हुआ करते थे। जैसे कुछ के इम्पोर्टेंट जो नाम है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, और ये कहाँ पर रहते थे, इनका सेंटर कहाँ था, वो लिखा हुआ है। जैसे गायकवाड़, ये बड़ौदा के रहने वाले थे। भोसले, ये नागपुर के, होलकर इंदौर के, और पेशवा पूना के, और सिंधिया ये ग्वालियर के रहने वाले थे। ये याद रखिएगा कि कौन कहाँ के रहने वाले थे, कभी आ सकता है मैच कराने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग चीफ्स में डिवाइड थे। जब पेशवा शिप आया, तो पेशवा का जो पद होता था वो मराठा के रूलर से, यानी कि राजा से, वो ज्यादा स्ट्रांग होता था, ठीक। तो ये सब चीजें चलती रही। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ये कैसे स्टार्ट होता है, इसके बैकग्राउंड में क्या चीज चलती रहती है जिनकी वजह से ये स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जो पेशवा थे उनका, मैं नाम पढ़ देता हूँ अगर स्पष्ट ये ना हो तो। सबसे पहले लिखा हुआ है बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ का जो टाइम रहता है 1713 से लेकर 20 तक, यानी करीब 7 सालों तक। बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट, ये रहते हैं 1720 से लेकर 40 तक, यानी करीब 20 सालों तक। ये जो टाइम रहता है बालाजी विश्वनाथ का, सॉरी बाजीराव फर्स्ट का, इस समय मराठा अपने पीक पर रहते हैं, मराठा पावर अपने क्लाइमेक्स पर रहता है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा मराठा टेरिटरी में। इसके साथ अब इसके बाद दो लोग आते हैं, एक रहते हैं रघुनाथ राव और दूसरे रहते हैं बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो जब इनके बाद दो लोग आते हैं, तो इनमें पेशवा जो बनते हैं वो बनते हैं बालाजी बाजीराव, यानी कि नाना साहब, ठीक है। और ये इनके भाई थे, रघुनाथ राव इनके भाई थे। तो रघुनाथ राव नहीं बनते हैं, अब कोई एक ही बन सकते हैं, तो नाना साहब को बनाया जाता है। अब नाना साहब के डेथ के बाद इनका ही एक लड़के थे जिनका नाम था माधवराव, ठीक। तो इनका नाम था माधवराव, माधवराव को बनाया गया। तो माधवराव भी 1772 में इनके डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के बाद किसको पेशवा बनाया जाता है, बनाया जाता है नारायण राव को। इनके दो लड़के हुए, एक माधवराव हुए और एक नारायण राव। तो माधवराव के डेथ के बाद नारायण राव को बनाया जाता है पेशवा। ये बात पसंद नहीं आती है किनको, रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव की कौन हुए इनके, रघुनाथ राव इनके अंकल हुए, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उनके ये भाई थे। तो ये बात पसंद नहीं आती है कि नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है, इन ये चाहते थे खुद पेशवा बनना। तो इस वजह से क्या था, इन्होंने नारायण राव को मार दिया। जब नारायण राव को मार दिया कि हम अब उनके जगह पे हम खुद पेशवा बनेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। रीजन क्या था, रीजन ये था कि नारायण राव के एक लड़के थे जो माइनर थे, उनको पेशवा बना दिया जाता है। और किसके अंडर में पेशवा बनाया जाता है, उनका नाम था नाना फडणवीस जो थे, उन्होंने नारायण राव के जो माइनर सन थे उनको पेशवा बना दिया। तो इस चीज से अब ये रघुनाथ राव जो थे वो पूना छोड़ के चले गए, यानी कि भाग गए। तो अब दूसरे जगह जहां जहां अब अपने होता ना कि अब कहीं यहाँ से भाग के अब वो किसी ऐसे लोग की तलाश में निकले जो उनकी सहायता कर सकता था, ठीक है। जैसे somebody help me लाइक दिस, तो इस तरीके से करते हुए ये पहुंचे सूरत में। तो सूरत में उस समय अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों से इन्होंने कहा कि आप मुझे मेरी सहायता कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। तो देखिए अंग्रेजों का क्या होता था, अंग्रेजों को ऐसे ही मौके की तलाश होती थी। तो ऐसा था ना कि शिकार खुद शिकारी के पास चला आया। तो रघुनाथ राव ने कहा कि हमें हमारी मदद कीजिए, हम आपकी
कुछ सहायता करेंगे। तो ब्रिटिश वालों ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, आप उसके एवज में हमें क्या दे सकते हैं। तो रघुनाथ राव ने कहा कि हम भी आपको कुछ देंगे, तो क्या देंगे? तो इसके लिए एक ट्रिटी होती है 1775 में, जिसको ट्रिटी ऑफ सूरत कहा जाता है। इसमें रघुनाथ राव जो थे वो शालसेट और बसीन ये दोनों दे देते हैं ब्रिटिश को। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमें सूरत और भरूच से जो रेवेन्यू मिलता है, टैक्स जो मिलता है, उसका कुछ पोर्शन भी हम आपको देंगे। ऐसा कहा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक, तो अब देखिए, ये जो ट्रीटी हुई थी, ये हुई थी रघुनाथ राव और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में, नॉट बंगाल, सॉरी, इट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मराठा, हाँ, मराठा में बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। तो ये हुई थी बिटवीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मराठा के बीच में। ये बात पसंद नहीं आई कलकत्ता प्रेसिडेंसी को, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी को। रीजन क्या था? रीजन ये था कि देखिए, ये ट्रीटी साइन होती है 1775 में। इससे पहले 1771 के आसपास में एक चार्टर एक्ट आया हुआ रहता है। अगर आपने पॉलिटिक पढ़ी होगी तो उसमें भी आपको ये चार्टर एक्ट पढ़ने को मिला होगा। उसमें ये प्रोविजन था 1771 के चार्टर एक्ट में कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये वार कर सकते हैं, ये ट्रीटी कर सकते हैं, यानी कि सारी की सारी पावर जो थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी को दी हुई थी, और बचे जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये सबॉर्डिनेट होंगे बंगाल प्रेसिडेंसी को। यानी कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वो ना वार कर सकते हैं, वो ना ट्रीटी कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रीटी किसने की थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने की थी। इसलिए ये चीज जो थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि आपको अधिकार ही नहीं है ट्रीटी करने का, तो आपने अधिकार कैसे कर लिया? इसलिए एक नई ट्रीटी साइन की जाती है बंगाल प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव के बीच में, जिसे हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। ठीक, अब ये बात अगेन, अब बॉम्बे वाले जो प्रेसिडेंसी के लोग थे उनको पसंद नहीं आई। ठीक है, तो ये रिफ्ट चल रहा था अंग्रेजों के बीच में ही, बंगाल और बॉम्बे के बीच में। लेकिन इसी बीच में एक नया आपको इवेंट देखने को मिलेगा। ये जो नाना फडणवीस थे, इससे पहले जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी, इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में एक प्रोविजन था। इसमें ये कहा गया था कि जो मराठा है वो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री की या विदेशी जो लोग हैं उनको सहायता ये नहीं करेंगे, इसमें एक प्रोविजन था। लेकिन नाना फडणवीस ने क्या किया कि फ्रेंच को एक पोर्ट दे दिया अपने यहाँ, मराठा का जो वेस्ट कोस्ट था वहां पर एक पोर्ट इन्होंने दे दिया फ्रेंच को। अब फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे, ये एक दूसरे के रिवैलरी थे, इनमें बनती नहीं थी। तो ये बात अगेन क्या हुई? पसंद नहीं हुई जो ब्रिटिश थे उनको। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? पूना पर अटैक कर दिया। जो ब्रिटिश थे उन्होंने पूना पर अटैक कर दिया। ओके, बाद में फिर देखेंगे कि ब्रिटिश हार जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं जनवरी 1779 में, और यहाँ पर ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ वडगांव। तो किसके बीच में होती है? ये होती है जो बंगाल प्रेसिडेंसी था और जो मराठा थे उनके बीच में। और इसमें एक ट्रीटी में कहा जाता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी रिटर्न ऑल द टेरिटरीज टू मराठास। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, जिसने मराठा टेरिटरीज जीती हुई है, उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज बात आती है। उस समय हमारे यहाँ के जो गवर्नर रहते हैं, गवर्नर जनरल, वो रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ये अगेन वॉरेन हेस्टिंग्स को समझ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अगेन फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाट, उनका कह उनका ये था कि जो भी है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का काम है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये काम कर नहीं सकती। तो फिर ये वॉरेन हेस्टिंग्स को अच्छा नहीं लगा। तो बाद में ये थोड़ी बहुत रिवैलरी चलती रही, थोड़े बहुत वॉर भी चलते रहे इनके बीच में छोटे मोटे। फाइनली एक नया ट्रीटी होता है जो इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को कंक्लूड करता है, यानी कि खत्म हो जाता है उसके बाद। वो ट्रीटी होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ शलबाई के नाम से जानते हैं। ये ट्रीटी होती है मई 1782 में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। इनमें पहला प्रोविजंस ये था कि जैसे हमने देखा कि रघुनाथ राव ने सालसेट और बसीन दे दिया था अंग्रेजों को, तो इसमें कहा गया कि सालसेट जो है वो अंग्रेजों के पास में ही रहेगा। लेकिन 1776 की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसके बाद जितने भी टेरिटरीज अंग्रेजों ने जीते हुए मराठा को, वो टेरिटरीज सारे वापस कर दी जाएंगी।
लेकिन सलसेट अभी भी अंग्रेजों के पास रहेगा, ये एक प्रोविजन था। दूसरा प्रोविजन ये था कि मराठा जो है वो किसी दूसरे फॉरेनर जो कंट्री है उनके लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस था ये हमेशा ये लोग इंक्लूड करते थे, चाहे मराठा हो, चाहे आप बाद में पंजाब देखेंगे, सिंध देखेंगे, हर जगह ये क्लॉज जोड़ा जाता था कि यहाँ के जो जो रूलर है वो किसी भी फॉरेन कंट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन था, पहले रशिया का रीजन था कि रशिया इन्वेड कर सकता है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहां से, फिर बाद में नेपोलियन का डर आया कि नेपोलियन इन्वेड कर सकता है, इसकी वजह से ये लोग ये प्रोविजन रखते थे कि कहीं वहां के रूलर उन लोगों को सपोर्ट ना कर दें, इसलिए जो भी ट्रीटी होती थी एक क्लॉज यहाँ इस तरीके का रखा जाता था। ओके, उसके बाद एक और इसमें बात कही गई थी कि रघुनाथ राव को जो ब्रिटिश ने सपोर्ट किया गया था किया था, अब क्या करेंगे, ब्रिटिश रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तीन मेन इनमें प्रोविजंस थे। इसके अलावा भी प्रोविजंस थे जैसे कि जो कंसेशंस या फिर प्रिविलेजेस ब्रिटिश को मिले हुए हैं वो अभी भी जारी रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ और भी छोटे छोटे प्रोविजंस थे, लेकिन मेनली तीन आपको याद रखना है। इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो वार होता है बिटवीन एंग्लो एंड मराठा। तो ये आपको समझ में आया कि रीजन क्या था, रीजन रघुनाथ राव थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर नारायण राव को मार दिया पेशवा बनने के लिए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि नारायण राव के जो माइनर सन थे उनको पेशवा बना दिया गया, तो फिर ये सहायता की तलाश में चले गए अंग्रेजों के पास, और इस तरीके से ये पूरा बैकग्राउंड में डेवलप हुआ। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो है ये भी मराठा की वजह से शुरू होता है। इसमें था कि यहाँ पर जो पेशवा थे, पेशवा कौन थे यहाँ पर, यहाँ पर थे पेशवा जिनका नाम था बाजीराव सेकंड, ये सन थे किसके, रघुनाथ राव के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने होलकर के एक प्रिंस थे जिनका नाम था विट्ठू जी, ठीक है, होलकर प्रिंस थे एक जिनका नाम था विट्ठू जी, इनका मर्डर कर दिया, ठीक। अब इनका मर्डर कर दिया इन्होंने जो ये थे हमारे बाजीराव सेकंड, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि होलकर ने अटैक कर दिया पेशवा और सिंधिया पर, ठीक। और इस तरीके से यहां पर पेशवा और सिंधिया हार जाते हैं। तो अटैक करने वाले कौन थे, होलकर के एक प्रिंस थे जसवंत राव, ये जसवंत राव जो थे ये बिट्टू जी के ब्रदर थे। तो इन्होंने अटैक किया पेशवा और सिंधिया पर, पेशवा सिंधिया को हरा दिया कहां पर, पूना के पास। और यहां पर अगेन एक दूसरे को पेशवा इन्होंने बनाया जिनका नाम था विनायक राव, विनायक राव को इन्होंने पेशवा बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि ये जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, ये भाग के चले गए कहां पर, बशीन, अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों के पास गए और वहां पर उन्होंने एक ट्रीटी की जिसको हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ बशीन के नाम से, जो 31 दिसंबर 1802 में की गई थी। अब इसमें प्रोविजंस क्या थे हम उसको अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मेरे लिए तो यही स्लाइड है। तो ट्रीटी ऑफ जो बशीन हुई थी उसके कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों को वो टेरिटरी देनी थी जिनसे अंग्रेजों को करीब 26 लाख रुपीस का रेवेन्यू मिल सके, ठीक है। वो टेरिटरीज जहां से करीब इतने रुपए के रेवेन्यू आ सके, मराठा को वो टेरिटरीज अंग्रेजों को देनी थी, यानी कि मराठा अंग्रेज को देंगे, ओके। इसके अलावे जो सूरत था ये सरेंडर करना था, यानी कि सूरत कंप्लीटली अंग्रेजों को देनी थी। इसके बाद जो चौथ होता था ये एक टैक्स हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो हुआ करता था, जो निजाम के डोमिनियंस में लगता था, यानी जो निजाम की टेरिटरी थी वहां से वसूल करते थे टैक्स, यानी कि चौथ वसूल करते थे मराठा, ये मराठा की टेरिटरीज नहीं थी, ये निजाम की टेरिटरी थी, निजाम ने उनको अलाउ किया था कि आप यहाँ से चौथ वसूल कर सकते हैं। तो ये जो चौथ था जो निजाम की टेरिटरी से वसूल करते थे मराठा, वो छोड़ना था, यानी कि अब मराठा वसूल नहीं करेंगे वहां से चौथ। इसके साथ मराठा को अपने टेरिटरीज में इंग्लिश ट्रूप्स थे, यानी कि इंग्लिश आर्मी को परमानेंटली रखना था, ठीक। इसके अलावा फिर मराठा किसी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट नहीं देके ना ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ पेशवा एक्सेप्टेड सब्सिडी अलायंस, सब्सिडी अलायंस आपको पता होगा, तो पेशवा ने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। तो सब्सिडी अलायंस में ही ये सारे प्रोविजंस आते थे, ठीक है, जैसे कि ट्रूप्स रहेंगे उस टेरिटरीज में, ओके, आप दूसरे कंट्री के लोगों को एम्प्लॉय नहीं दे सकते, तो
सबसे टेंस में भी हो सकता होता है कि आपके जो फॉरेन अफेयर्स होंगे कि आप किससे वार करेंगे, किससे ट्रिटीज करेंगे, ये सब भी अब अंग्रेजों पर डिपेंड होगा। तो फिर मराठा का काम क्या रह गया? मराठा का बस इतना ही काम रह गया कि आपके जो अंदरूनी मामले हैं बस उन्हीं को देखिए, बाहर के मामलों से आपको कोई मतलब नहीं है। वैसे अंदरूनी मामलों में भी इंटरफेयर करते थे अंग्रेज, ठीक है, लेकिन कहने के लिए ये था कि अब उनका काम अंदरूनी मामलों तक ही सीमित था, बाहरी मामलों में यानी फॉरेन अफेयर्स जो होगा मराठों का वो अब अंग्रेज देखेंगे। ठीक, अब पेशवा देखिए, अब यहाँ पर एक नया फिर क्लाइमेक्स आता है। पेशवा ने तो सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया। पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड जो थे, जो भाग के गए थे बशीन में, इनके पास ट्यूटी की थी। तो बाजीराव सेकंड ने तो सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया। ये बात अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को। किनको अच्छी नहीं लगी? सिंधिया जो भोसले थे इनको अच्छी नहीं लगी। इन्होंने क्या, यार वो कौन होता है, वो तो पहले से यहां से भाग के चला गया, तो उसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट करने की, तो उसने किसके बिहाफ पे सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट किया? ये बात शिंदे और भोसले को अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अटेम्प्टेड टू सेव मराठास फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, बाद में ज्वाइंड बाई होलकर, होलकर ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। यानी कि देखेंगे कि सिंधिया और भोसले ने लड़ाई की, साथ ही साथ होलकर ने कुछ लोकल रूलर थे उनके साथ एक कन्फेडरेसी बना के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन ये तीनों लोग जो थे ये हार जाते हैं, यानी अंग्रेज इन तीनों लोगों को हरा देते हैं और तीनों लोगों के साथ एक अलग अलग ट्रीटी की जाती है। 17 दिसंबर 1803 में एक ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ देवगांव कहते हैं। ये ट्रीटी होती है अंग्रेजों और भोसले के बीच में। उसके बाद 30 दिसंबर 1803 में एक ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ सुराजियन जान गांव कहते हैं। स्पेलिंग बता देता हूँ, सूरज SURAJIAN JANGAON, ये होती है सिंधिया के साथ। इसके बाद एक लास्ट ट्रीटी होती है जो 1806 में होती है, ये होती है होलकर के साथ जिसको ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ट्रीटी सभी लोगों के साथ की जाती है। तो इस तरीके से ये था कि जो सेकंड एंग्लो मराठा वार था वो खत्म होता है और मराठा जो है वो सब्सिडरी अलाय बन जाते हैं अंग्रेजों के। अब देखिए, थर्ड एंग्लो मराठा वार जो 1817 से 19 तक होता है, यहां का रीजन क्या था? इसका रीजन था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में एक प्रोविजन था, उसमें ये प्रोविजन था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था ट्रेड के मामले में। यानी कि अब ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां भी जो है वो इंडिया में आके ट्रेड कर सकती थी। तो मोनोपोली खत्म कर दिया, लेकिन चाइना और टी को छोड़ के, यानी कि इंडिया में जो टी की ट्रेड होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। साथ में चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगा। तो चाइना से मतलब नहीं है, इंडिया से मतलब है। तो इंडिया में टी के अलावे, चाय के अलावे और जितने भी ट्रेड थे उस पर मोनोपोली खत्म कर देगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। यानी कि अब ब्रिटेन के दूसरे कंपनी भी इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। अब इससे क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट घट गया। अब मार्केट में आपके कंपटीटर आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट घट जाएगा, आपका मार्केट कम हो जाएगा। अब क्या हुआ कि आपका मार्केट कम हो गया तो आपको और अलग और टेरिटरीज चाहिए, यानी और मार्केट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मार्केट को बढ़ाने के लिए आपको टेरिटरीज को जीतना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है ये इसी का परिणाम होता है, इसी चार्टर एक्ट का, कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब नए नए ट्रीटीज जीतेगी ताकि उसे और बड़ा मार्केट मिल सके अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है, तो रीजन क्या था, ये था चार्टर एक्ट 1813, ये वॉर होने का। तो अंग्रेज क्या होते थे ना कि ये डायरेक्ट नहीं वार करते थे, ऐसा नहीं कि अभी उठ के खड़े हुए जाके अटैक करते, इस नहीं, कोई ना कोई रीजन ढूंढते थे, क्योंकि इन्हें भी जवाब देना पड़ता है। इन्हें कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको जवाब देना पड़ता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, ब्रिटेन के लोगों को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वहां पर पार्टी जो थे इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में भी लोग को जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है जिस रीजन के बल पे हम किसी पर अटैक कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कोई रीजन ढूंढ रही थी कि आखिर रीजन कैसे हम अटैक करेंगे मराठा पे और मराठा को कैसे हम अपने मिलाएंगे। तो रीजन यहाँ पर मिलते हैं पिंडारीज। ये जो पिंडारी थे ये मराठा आर्मी के साथ चलते थे। अब आपके चूंकि यहाँ पर देखा आपने सेकंड एंग्लो मराठा वार में कि जो मराठा था अब सब्सिडरी अलायंस बन गया था,
यानी कि अब मराठा के ट्रूप्स का कोई महत्व नहीं था या फॉरेन अफेयर्स का कोई महत्व नहीं था, सब कुछ अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। और ये पिंडारे जो थे ये मराठा आर्मी के साथ चलते थे, यानी कि मराठा आर्मीज जो थी जहां जिन जिन टेरिटरीज को जीतती थी ये पिंडारीज वहां पर लूटपाट करते थे। ठीक, तो मराठा आर्मी की अब कोई महत्व नहीं रह गया, इसकी वजह से इन पिंडारी जो थे इनके पास भी इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं रहा। तो इस वजह से क्या किया इन्होंने, जो अपने आसपास के टेरिटरीज थी उस वहां पर लूटपाट मचाना शुरू की। इसमें अंग्रेजों की टेरिटरी भी शामिल थी, अंग्रेजों की टेरिटरी में भी ये लोग घुस के प्लंडर वगैरह करते थे। तो ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी और उनको एक बहाना मिला कि हाँ, इस बहाने को पकड़ के हम मराठा पे अटैक कर सकते हैं। ठीक, तो इसी बहाने को उन्होंने पकड़ा, पिंडारीज का बहाना लिया और उन्होंने मराठा पर अटैक कर दिया। ठीक है, अगेन सभी लोग हारते हैं अलग अलग जगहों पे। पेशवा हार जाते हैं खिड़की में, भोसले हार जाते हैं सीताबुल्दी में, और होलकर हार जाते हैं महितपुर में। और अगेन इन तीनों के साथ साथ एक अलग अलग ट्रीटी की जाती है, जून 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना जो पेशवा के साथ होती है, फिर नवंबर 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर जो सिंधिया के साथ होती है, और उसके बाद जनवरी 1818 में जो मंदसौर होता है, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ये होता है होलकर के साथ। इस तरीके से अगेन ये दूसरी बार हार जाते हैं और यहाँ पर फाइनली मराठा को कंकर कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी और अपने में मिला लेती है। इसके बाद पेशवा शिप को खत्म कर दिया जाता है, मराठा कॉन्फेडरेसी जो होती है उसको भी खत्म कर दिया जाता है। पेशवा शिप वॉज एबोलिस्ट, मराठा कॉन्फेडरेसी वॉज एबोलिस्ट, एंड इन जून 1818 पेशवा जो थे वो फाइनली सरेंडर कर देते थे। और इसके बाद 1819 में कंप्लीटली रूप से मराठा जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मराठा भी निपट गए, तीन लोग निपट गए, बंगाल निपट गए, मैसूर एंड मराठा। ठीक, कहानी को थोड़ा का देखिए, कहानी की तरफ थोड़ा पढ़िए तो थोड़े इवेंट में याद रखेंगे आप, रीजन याद होगा ना, जब आपको 1813 याद आएगा तो 1813 का चार्टर एक्ट तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि थर्ड एंग्लो मराठा वार इसकी वजह से हुआ था। तो अंग्रेजों ने कौन से रीजन ढूंढे, तो अंग्रेजों ने पिंडारिक रीजन ढूंढे थे। फर्स्ट की बात आएगी तो वहां पर रघुनाथ राव की बात आएगी, रघुनाथ राव ने नारायण राय का मर्डर कर दिया और इसके बाद भाग के वो सूरत चले गए, तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने ट्रीटी वगैरह की, उस तरीके से डेवलपमेंट हो गया। तो थोड़ा कहानी और रीजंस को याद रखिए, चीजें याद रहेंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंध और पंजाब के बारे में। ठीक है, तब तक मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।